नहीं चलेगी किसी की भी रंगदारी, एसएसपी ने कहा। धमकी देकर पैसा वसूलने वाले तीन धराए। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर कारोबारियों को धमकाने और फायरिंग करने वाले और चार लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। एसएसपी संजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि विनोद मिश्रा और मोहम्मद अमन ही वह लोग हैं जो कभी प्रिंस खान बन जाते हैं तो कभी मेजर तो कभी मैनेजर। धनबाद पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग भी इनके गैंग में शामिल है, उसे भी धर लिया गया है। जो पकड़े उनमें निमिया घाट, बैंक मोड़ और वासेपुर के अपराधी शामिल है। एसएसपी ने कहा कि इन लोगों ने धनबाद के कई लोगों से रंगदारी मांगने की कोशिश की है, कई को धमकाया भी है। कई लोगों को तो पुलिस के पास आए ही नहीं, फिर भी कई मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पुलिस के हाथ मोबाइल और हथियार भी लगे हैं। यह गैंग तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर रहा था। इनमें से कुछ का संबंध बिहार के मुंगेर से भी है, वह वहां आते जाते थे। पुलिस को कई फोटोग्राफ भी मिले हैं। एसएसपी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बिहार, गिरिडीह और धनबाद के विभिन्न इलाकों में छापेमारी करनी पड़ी और तब जाकर यह सफलता मिली। जिन मोबाइल फ़ोन से इन लोगों ने कारोबारी को धमकाया है वह भी बरामद कर लिया गया है, हथियार भी मिले हैं। इसके पहले भी प्रिंस खान ने आदमी बनकर फायरिंग करने वाले दो लोगों को बैंक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल धनबाद में धमकी देने का सिलसिला थमा हुआ है। देखना है यह थमा ही रहेगा या फिर अपराधी एक बार फिर से उठाकर धनबाद के लोगों को दहशत में जीने पर विवश कर देंगे। एक मिनट सर, यहाँ सर, एक